ये अलग है। हेलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। यार क्या हलीम बनाई है, जबरदस्त मजेदार। हशाम, आप क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? आज मैं बहुत उदास हूँ। क्यों क्यों? कल से तुम्हारी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। और मम्मा की वेकेशंस ऑफ हो रही है। तुम लोग मुझे तंग करोगे? नहीं। अभी के अभी मुझे बता दो, अगर तुम लोगों ने मुझे तंग करना है तो मैं कुछ अपना बंदोबस्त कर लेती हूँ, अम्मी के घर चले जाती हूँ। तो मैं तुम्हारे पापा मैं भी जाऊंगा, हम तंग करेंगे करूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको 10-11 दिन। आप भी बताएं कि आप कैसे बर्दाश्त करेंगे इनको 10 दिन की छुट्टियों में। ऐसी क्या मसरूफियात दूं मैं इनको कि ये आराम से अपने उन मसरूफियात में लगे रहें और मुझे तंग ना करें। मोबाइल तो हरगिज़ नहीं, मोबाइल तो मैं मम्मा कभी हाथ भी नहीं लगाने देंगी। वो टीवी है, उसको जो भी देखना है देखो, इंजॉय करो। चलो अब तुम लोग नाश्ता करो जल्दी से और फिर चलते हैं, मैं अबाया पहन के आती हूँ। सही है? ओके मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं महरीन अब्बासी व्लॉग्स। तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ और क्या ऑर्डर किया है मैंने, जब वो पार्सल आएगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ऐसा है कि मैंने YouTube शॉर्ट पे अभी देखा कि एक लेडी ने बहुत मज़ेदार हलीम बनाई थी, तो मेरे माइंड में भी आया कि यार ग्रॉसरी तो मेरे पास भी है तो क्यों ना मैं भी बनाती हूँ हलीम, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप देना चाहूँगी कि ऐसा होता था कि जब मैं चाय बना रही होती थी ना तो मैं अक्सर इलायची डालना भूल जाती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ और मैंने अपनी खुद ही नई तरीके की टिप बना ली है कि मैं क्या करती हूँ, इलायची को पीस के और पत्ती में मिक्स करके रख देती हूँ। अब जब भी चाय बनानी पड़ती है तो मैं फौरन ये पत्ती डालती हूँ तो इलायची खुद ब खुद ऐड हो जाती है हमारी चाय में। तो ये है मेरी आज की टिप, होप कि आपको मज़ेदार लगी होगी, तो मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, सारे दालें वगैरह निकाल ली थी, चावल भी निकाल दिए, गंदम निकाल दी, 4-5 दालें हैं। अब मेरी YouTube फैमिली इतनी स्मार्ट है, उसको रेसिपी की क्या ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि रेसिपी देने के बजाय मैं बस थोड़ा सा अपना काम शाम दिखा के और अपनी YouTube फैमिली को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट दूँ। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है, सारी दालें चावल गंदम जो हैं उनको सबको पाउडर बना दिया है, क्योंकि जो हमारी रेडी टू कुक आती है उसमें भी ऐसे ही पाउडर आते हैं तो मुझे वो अच्छी लगती थी, तो आज मैंने भी सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लें, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने 2 गोलियाँ खाई हैं और इसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया है, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है तो 2 गोलियाँ खानी पड़ेंगी हमें, क्योंकि ऐसे तो हमें पॉसिबल नहीं है। तो देख ले, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि गोलियाँ खा खा के आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ, तो इसी बात पर मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि बहुत आसान है, मतलब एक रेमेडी को आपके साथ या एक रेसिपी को मतलब ऑडियंस के साथ शेयर करना, पर बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं उनको हेड्स ऑफ कहूँगी जो कुकिंग चैनल्स चला रही हैं लेडीज़, मतलब एक एक स्टेप को दिखाना, मुझसे तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेरे स्टेप्स वो कवर ही नहीं हो पाते, मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते। तो मेरी तरफ से तो सलूट है जो कुकिंग चैनल्स चला रही हैं लेडीज़, तो यार आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और बहुत हिम्मत वाला काम है किसी को अपनी बात समझाना। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे अपने मसाले वगैरह निकाल लिए थे और आज गैस ने मुझे जितना तंग कर सकती थी ना, गैस ने मुझे तंग किया है। मतलब ये 2 बजे का वक्त है, मेरे घर में कोई लाइट ऑन नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सन लाइट में अपने व्लॉग्स बनाऊँ। आप देख लीजिए पीछे रोशनी माशाल्लाह कितनी आ रही है, बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, स्कूल से आ गए थे, मैंने ये तब बनाना शुरू किया था, 2 बजे का वक्त है, और मतलब गैस ने मुझे जितना तंग कर सकती थी ना, हाँ 6 घंटे में मेरी हलीम बनी है, जबकि मैंने सब कुछ ग्राइंड किया था आपके सामने, दालें गंदम चावल सब कुछ ग्राइंड किया था, गोश्त को इतनी देर बाहर रखा था ताकि वो मेल्ट हो जाए और उसको इतनी देर कुकर में भी मैंने चढ़ाया। तो देख लीजिए कि यार हम लेडीज़ के लिए कितना स्ट्रगल होती है, अगर एक या तो लाइट ना हो या तो गैस ना हो, ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये ना हो तो हमारे दिन की पूरी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पाउडर की शक्ल मैंने कर दी है।
अच्छा मैंने चढ़ा के पाउडर वाउडर बना के अपनी तरफ से काम फिनिश कर लिया था, मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई। यहाँ मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि बर्तन कैसे धुलते हैं, सबको मालूम है। अच्छा फिर ऐसा हुआ कि इसी दौरान बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, मैं फिर उनको ट्यूशन छोड़ के आई और देख ले थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। मतलब इतना टाइम लग गया सिर्फ गोश्त को गलने में। फिर मैंने सोचा था कि यार गैस आ जाएगी 5 बजे तक, तो मैं बड़े से पतीले में ना ये जो मैंने भिगो के रखी हुई है दालें ये मैं गलाने के लिए छोड़ती हूँ। पर मेरे साथ यकीन जानिए इतना बैड सीन हुआ ना कि गैस बिल्कुल यहाँ डाउन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने गोश्त भी अच्छे से कूट के और रेशा रेशा करके इसमें डाल दिया कि थोड़ा सा अच्छे से बन जाएगी। और ये देखें 6:30 बजे का वक्त है और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। और मतलब खाना बनाना भी कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने पतीले चेंज किए, मैंने वापस कुकर में सामान डाला सब कुछ जो मैंने पतीले में डाला था और फिर वापस कुकर में चढ़ाया कि दालें तो गले एटलीस्ट। फिर भी बस पता नहीं, मेरे मियाँ ने तो बहुत मुझे तारीफ़ की है और मेरी सास ने भी बहुत तारीफ़ की है और मेरे बच्चे जिस तरह खा रहे थे तो उससे लग रहा था कि यार मैंने अच्छी ही बनाई है। अच्छा ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी, मैंने उसको कहा कि तुम भी आ जाओ, और फिर उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी, छोटे मुन्ने की तबीयत ख़राब थी तो फिर वो नहीं आ सकी। तो फिर ये कि फिर मैंने बोला मसला नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगी घर के लिए, तुम इजी होके घर में जाके बैठ के खा लेना। तो बस ये थोड़ा सा इंतजाम किया हुआ था मैंने। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को कह दिया कि आप ऊपर आ जाइएगा, हमारे साथ खाना खा लीजिएगा, मिलके खा लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 बजे की चढ़ी चढ़ी ये 8 बजे की मेरी हलीम बनी है। आज तो मैंने बहुत ही कोई टाइम लगा दिया, देख भी बन जाती है 6 घंटों में और यहाँ मेरी इतनी सी हलीम बनी है। खैर मेरे मेहनत वसूल यहाँ होती है जब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे मजे से और बहुत प्यार से अपनाइए से कह रहे होते हैं कि आपने बहुत अच्छी बनाई है। तो बस यहाँ मेरी 6 घंटे की जो मेहनत थी वो वसूल हो गई और आपने देखा था कि मैंने गोलियाँ खा के अपना काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने बहुत अच्छी बनाई है और वाकई में मज़े की लग रही है। तो मैंने बोला ये डार्क इतनी कैमरे में क्यों आ रही है, जबकि कैमरे में इतनी डार्क तो नहीं है मेरी हलीम, पता नहीं क्यों यहाँ डाक आ रही थी। और फिर मेरे मियाँ ने बोला थोड़े से शशके मार लो ताकि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ। अच्छा एक कुछ है ब्लॉगर है वो इसी तरह के ना कुकिंग में वो डालते हैं नमक वगैरह डालते हैं इसी अंदाज में, तो मैं उनकी एक्टिंग करती हूँ। यहाँ फिर मैं अपनी सास से पूछ रही थी कि अम्मी आपको कैसा लगा, अम्मी ने बोला बहुत मजे की है, बहुत अच्छी बनाई है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा मेरा ये है कि मैं लाइट सा और सच सच दिखाती हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं दिखा सकती आपको, ना मेरे पास इतनी फैंसी चीज़ें हैं। होप कि आप इसी से ही गुजारा करेंगे और इसी को ही लाइक करेंगे, और अगर आपको मेरे फिर भी व्लॉग पसंद नहीं आ रहे तो पसंद करने की कोशिश कीजिए, बस मुझे दुआओं में रखिएगा याद। आप लोग भी हैं मेरी दुआओं में शामिल और यहाँ 9 बज गए थे और हम कावा इंजॉय कर रहे थे, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।